आइए तुलसीदास के जीवन से जुड़े एक रोचक कहानी को जानते हैं। बचपन में तुलसीदास का नाम राम बोला था। कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली बहुत ही सुंदर थी और तुलसीदास उनसे बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई तो तुलसीदास ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे उनकी पत्नी नाराज हो गई। श्रावण मास की एक रात तुलसीदास को रत्नावली की याद सताने लगी। उन्होंने फौरन अपनी पत्नी से मिलने का मन बना लिया। वह बारिश तूफान से लड़ते हुए किसी तरह गंगा नदी के तट पर पहुंच गए, लेकिन उफनती नदी पार करने वाला एक भी नाविक उन्हें नहीं मिला। तब तुलसीदास को वहां नदी में अचानक एक तैरती हुई लाश दिखाई दी। तुलसीदास जी ने उस लाश को पकड़ा और उसके सहारे नदी पार कर गए। ससुराल पहुंचने के बाद तुलसीदास को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के कमरे तक कैसे पहुंचे। तब उन्होंने खिड़की से लटकते एक सांप की पूछ रस्सी समझकर पकड़ ली और पत्नी के कमरे में दाखिल हो गए। तुलसीदास जी ने जब अपनी पत्नी को मिलन के इस सफर की कहानी सुनाई तो वो बेहद नाराज हो गए। अपने पति का अपमान करते हुए उन्होंने कहा, अस्ति चम्र मैं देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। मतलब हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्रेम, अगर इतना ही प्रेम तुमने राम से किया होता तो ये जीवन तुम्हारा सुधर जाता। यह सुनते ही तुलसीदास का अंतर मन जाग उठा और उन पर राम के नाम का ऐसा असर पड़ा कि आगे चलकर उन्होंने रामचरित मानस की रचना की। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।